हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आलू से इतना सॉफ्ट और टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी। सबसे पहले हमने आलू को उबाल करके छील लिया है। अब मैं आलू को कद्दूकस कर लूंगी। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं ये हरी मिर्च कटी हुई, प्याज कटी हुई डाल रही हूँ। उसके बाद नमक, जीरा, बाद मैं ये अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद ये धनिया पिसा हुआ। अब मैं इसमें यह आटा डाल रही हूँ, गेहूँ का आटा। अब इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। आटा आटा हमें उतना ही डालना है जो ये आलू में मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना। अब ये हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो इस आटे से हम छोटी छोटी बोल बना लेंगे। इसके ऊपर हमें सूखा आटा लगा करके इसको हमें राउंड शेप में बना लेना है। पैन हमारा गर्म हो चुका है और इसको हमने पैन पर डाल दिया है। अब एक साइड से ये सिक चुका है तो मैंने इसको पलट दिया है। उसके बाद हम हल्का हल्का घी लगाएंगे या ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। इसके बाद हम फिर से पलट देंगे। अब ये दोनों साइड से सिक चुका है तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैं इसको मुट्ठी में डाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसको आप चटनी के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।